और उसके बीच में नींबू जितना एक डायमंड कलर का है, नीला एक रंग का हुआ आता है, लेकिन वो इसलिए नहीं आता बड़े दिन। हेलो जी, नीले कलर का आकाश और नीला समुद्र काफी ज्यादा दिखाई देता है, लेकिन ध्यान लगातार नहीं हो पाता, कुछ कुछ देर में टूटता है। लेकिन अभी आप बता रहे थे कि वो बिंदु कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। हाँ, इससे नहीं होता। हाँ। क्या आप त्राटक का अभ्यास करते हैं क्या? हाँ, करते हैं, 2 साल से किया था, अभी मैंने थोड़ा कम कर दिया। अच्छा, देखो क्या रात को जब मैं निकलता हूँ तो ये रोशनी जो गाड़ियों की आती है वो चकाचौंध कर देती है, छोटी रोशनी भी एक बड़े कलर का वो गोला उनके आंखों के सामने आती है, तो ये परेशानी ज्यादा होती है मेरे साथ। हाँ, त्राटक के अभ्यासी को ये चीज़ें दिखाई देती हैं, उसका कारण है सबसे पहले पृथ्वी तत्व का रंग दिखाई देता है, जो ये पांचों तत्व हैं जिसके द्वारा ये सारा कुछ संसार की रचना हुई है, हमारे शरीर की रचना हुई है। तो इन पांचों तत्वों में सबसे ज़्यादा जड़ता वाला पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व का रंग पीला होता है, वो रंग आपको दिखाई देता है, ऐसा त्राटक के अभ्यास के द्वारा अथवा मन की स्थिरता के कारण होता है। आपने अन्य रंगों के नाम लिए तो प्रत्येक तत्व का अलग रंग होता है, जैसे जल तत्व का हरा हुआ और अग्नि तत्व का लाल रंग या गुलाबी रंग का भी किसी किसी को दिखता है। आपने अभी डायमंड जैसा बोला तो हो सकता है कि सत्गुण के कारण दिखाई दे, या वायु तत्व का रंग धूम्र की तरह होता है। आपने जो नीला तत्व नीला रंग बताया वो आकाश तत्व का रंग होता है, यानी तत्वों के अलग अलग रंग होते हैं। तो ये रंग के रूप में स्वयं अपने ही शरीर के तत्व दिखते हैं, यानी जो वृत्तियाँ होती हैं उनमें भी 5 तत्व मिले होते हैं। इसका मैंने त्राटक वाली किताब में शायद लिखा हो, मुझे अभी ऐसा कुछ ठीक से ध्यान नहीं है। अच्छा, आपने एक बात अच्छी कही कि वो कभी इधर हो जाता है, ऐसे तो आपका कहना है इधर उधर स्थिर नहीं होता, इधर जाता है उधर जाता है, इसका मतलब है आपका जो मन है सूक्ष्म रूप से वो स्थिर नहीं है, एक जगह टिका नहीं है, टिके ना होने के कारण वो बिंदु इधर उधर, मतलब स्थिर ना होकर इधर उधर गति करता हुआ दिखाई देता है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है यूट्यूब पर भी किसी ने मुझे इसी प्रकार का प्रश्न किया था अथवा फेसबुक पर किया था कि मैं जब त्राटक करता हूँ तो वो बिंदु चार्ट पर इधर उधर भागता हुआ चारों ओर दिखाई देता है, तो उसका कारण यही है, उस अभ्यासी का मन स्थिर नहीं है, चलायमान है, प्रयास कर रहा है लेकिन स्थिर ना होने के कारण उसमें गति होती है। धीरे धीरे अभ्यास करने से गति समाप्त हो जाएगी, स्थिरता आ जाएगी। प्रणाम। जरा तो मैं हनुमानगढ़ से अशोक खंडेवाल मानगढ़ राजस्थान से हूँ, और मैंने दिल्ली शिविर अटेंड किया था, उस समय कुछ मेरे अनावश्यक क्रियाएं हो रही थी जो तो आप द्वारा रोकी गई थी। ओम का धर्म तो ओम मंत्र तो बैठ कर धारण करता था, पीछे और गर्दन का वाइब्रेशन होता है, और जब शिव शक्ति मंत्र को धारण करता हूँ गोदाम में समुचन और नाभि के नीचे कंपन पैदा होता है, और अब भी अपने नाते के पीछे एक रुकावट सी हो रही है, जकड़ सी हो रही है, और आज जो भी आपने ध्यान की प्रक्रिया करवाई मेरे उंगलियों में वो कई वाइब्रेशन हुआ, और पैरों की उंगलियों में आता वाइब्रेशन था, और अब जो भी मेरे को ये हो रहा है कि जैसे आपने वो आपने बताया था अनुलोम विलोम में कुंभ के बारे में, उन्हें जब कुंभ करता हूँ मैं तो उस समय घबराहट तो मेरे को नहीं होती, लेकिन उसमें अगर ज्यादा रुका रखू तो नाभि के नीचे कंपन शुरू हो जाएगा और फिर बस फेंका शुरू हो जाएगी। जी जी जी
हाँ ध्यान करने के कारण आपको ये क्रियाएं होती हैं। मैंने अन्य साधकों को भी बताया कि ध्यान की ये क्रियाएं हैं, कंपन होना, और ये है वसरिका का कुछ कारण होता है, मूलाधार चक्र में कुछ विकास क्रम हो रहा होता है, हाँ इसलिए ऐसा होता है। ये कंपन वगैरह हो रहे हैं तो मूलाधार में विकास क्रम के कारण यानी विकसित हो रहा होता है, इसलिए होता है। उसमें प्राणवायु के धक्के सूक्ष्म रूप से लगने लगते हैं, तब ये भस्त्रिका चलने लगती है। इसका एक और पहचान है कि आपके शरीर को कुछ ज़्यादा ही शुद्धता चाहिए, जो इस अवस्था में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, इसलिए शुद्धता के लिए और स्थिरता भी चाहिए, तो आपको प्रयास करना चाहिए प्राणायाम द्वारा, मंत्र के द्वारा, और भी जो तरीके हैं त्राटक के द्वारा। प्राणायाम करते हैं तो आपको इतनी तेज भस्त्रिका क्यों होती है? हाँ आप क्या करते हैं, आप वकील हैं ना? मैं सर गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, सीनियर लेकर लड़वा के रहूँगा। अच्छा 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 अच्छा, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके अपने अंदर शुद्धता को और बढ़ाएं। लेकिन जो ये भस्त्रिका होती है, ये होती है एक निश्चित अवस्था पे, उसको रोका नहीं जा सकता। किसी समय मुझे भी होती रही, क्या कहा जा सकता है, ये प्राकृतिक क्रिया है और उसके लिए साधक को ज़्यादा से ज़्यादा साधना करना चाहिए। हाँ ये है कि जब सामूहिक रूप से ध्यान किया जाता है तो दूसरे साधक को थोड़ा डिस्टर्ब होता है, और जब साधक अकेले में बैठता है तो कोई बात नहीं, अकेले करता रहता है क्रिया, तो यहाँ डिस्टर्ब हो रहा था आपकी वजह से। एक साधक बहन थी हाँ, क्रिया हो रही है, कुछ क्रियाएं विशेष तरह की होती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, होते ये करके यहाँ पर खिंचाव होता है। इसका करना इसका कारण है यहाँ पर शुद्धता नहीं होनी, तो आप इसका है जालंधर बंद लगाने की कोशिश करें, या क्या कहना चाहिए, भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी थोड़ा गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं, अर्थात गर्दन में खिंचाव हो और उसमें भंवरे की तरह गुंजन करें, ठीक है, तो यहाँ में शुद्धता आएगी। प्रणाम जी। ध्यान के समय ध्यान मन लगते हैं और प्राणवायु ऊपर पीठ तक जाती है, उसके महसूस होता है। प्राणवायु कहाँ तक जाता है? पीठ तो बहुत लंबी है, ऐसा कहो ना कि कंधे से थोड़ा नीचे जाते हैं। और गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि जब सुबह के जब ऑफिस जाते हैं तो उस टाइम में काफी टाइम वेस्ट हो जाता है, 1-2 घंटे, तो उस टाइम पे हम किसी मंत्र का जाप मन में कर सकते हैं, जो आपने 3 मंत्र बताए हैं उनमें से? देखो कुछ मंत्र होते हैं जिन्हें मैं ये समझता हूँ कि रास्ते में नहीं बोलना चाहिए, आप गुरु मंत्र जो भी आपका हो मंत्र जाप कर सकते हैं, जो आपका इष्ट हो उसका जाप कर सकते हैं, कभी भी कैसे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। नहीं, कुंडलनी स्तुति मंत्र हो गए, मृत्युंजय मंत्र हो गया, ऐसे मंत्र नहीं करना चाहिए जहाँ तक मैं सोचता हूँ, वो स्थिर होकर के शांत बैठ करके ही करना चाहिए। अन्य मंत्र होते हैं गुरु मंत्र, जो भी गुरु ने दिया हो, जो भी आपका इष्ट हो उसका मंत्र का आप जाप करें। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.